नमस्ते मित्रों, धम्म लिपि में मैं आज आपको धम्म लिपि की जो अंक किस तरह से बनाए जाते हैं, डिजिट्स किस तरह बनाई जाती हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जब धम्म लिपि का विकास हुआ, जब धम्म लिपि का इजाद हुआ, धम्म लिपि का इजाद सम्राट अशोक के शासनकाल में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। सम्राट अशोक के शासन के पूर्व भाषाएं तो थी लेकिन लेखन शैली नहीं थी। सबसे पहले जो शासक भारत में हुए जिन्होंने लिपि का विकास किया वो सम्राट अशोक हैं, जिनके कई अभिलेख जिनमें ढेरों सारे संदेश खुदे हुए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय हुआ करते थे। आइए आज हम धम्म लिपि की अंकों के बारे में चर्चा करेंगे। अंक किस तरह लिखे जाते थे? एक्चुअली उस समय जब ये अंक इजाद किए गए उस समय शून्य की खोज नहीं की गई थी या शून्य की खोज नहीं हुई थी। तो जब ये अंक चिन्ह बनाए गए, अंकों के लिए चिन्ह बनाए गए, अंक एक तो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं और एक विशेष चिन्ह होता है उसके लिए। जब इन अंक के चिन्ह निर्धारित किए गए तब जीरो इजाद नहीं हुई थी, इसलिए इन अंकों में जीरो नहीं है। एक लिखने के लिए आप यहां पर देखेंगे, आप देखिए इसको गौर से, धम्म लिपि के अंक एक लिखने के लिए एक डंडा खींचेंगे आड़ा, दो लिखने के लिए दो डंडे, तीन लिखने के तीन डंडे, चार इस तरह लिखेंगे, पांच छ सात आठ नौ और दस के लिए भी एक चिन्ह है, बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ, दो सौ के लिए भी एक चिन्ह अलग से है, हजार के लिए भी एक चिन्ह अलग से। सम्राट अशोक के जो छोटे शिलालेख है उसमें यह संख्या दर्ज पाई गई है, 250 और 6। आप देखिए यह 256 लिखा है, किस प्रकार लिखा है अभिलेख। दो सौ छप्पन की संख्या लिखने के लिए पहले कैसे लिखते थे? 200 के लिए 200 पूरा अलग एक चिन्ह बनेगा, 50 के लिए एक अलग चिन्ह बनेगा और 6 के लिए अलग चिन्ह बनेगा। तो इस तरह से 200 का चिन्ह, 50 का चिन्ह और 6 का चिन्ह, ये 256 अशोक के जो छोटे शिलालेख हैं उसमें ये संख्या पाई गई है, 256। ये 256 के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी, ये संख्या दर्ज है। 256 लिखने का तरीका 256 दैट इज 256। इसमें हम आज के हिसाब से वर्तमान हिसाब से हम इसमें जीरो ऐड करके, जीरो और आप इसमें ऐड कर लीजिए, जीरो इसमें याद नहीं हुई थी, बाकी सारे चिन्ह 1 से 9 तक आप ले सकते हैं और कोई सी भी संख्या बनाकर लिख सकते हैं, जिस प्रकार अन्य लिपियों में आप लिख लेते हैं 1 से 9 तक, उनका एक डिजिट अलग है, 10th 0 और इन्हीं के आधार पर आप कोई सी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। पृथक से भी चिन्ह निर्धारण है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 400 के लिए भी अलग से, 1000 के लिए भी, 4000 7000 के लिए भी अलग से चिन्ह है। तो इस तरह से वो चिन्ह उतने हमारे आज के परिवेश के हिसाब से, जब अब जीरो का इजाद हो गया है तो 1, 2, 9 और जीरो के आधार पर ही हम सारे अंक बना सकते हैं। इन्हीं के आधार पर इन अंक तालिका को लिखना सीखिए और धम्म लिपि के मैं जो और भी अभिलेखों में संख्याएं लिखी आएंगी उनको आप पहचानना सीखिए।
मुझे आशा है आप इन अक्षर ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे। लिखते रहिए, जुड़े रहिए और धम्मी लिपि सीखते रहिए। नमस्कार।